अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन हसद और आप देख रहे हैं शाहीन हसद का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबको, जितने भी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, जिधर जिधर जो जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, उन सबको सुबह खैर। खैर से उठें, खैर से दुनिया के कामों में शामिल हों और खैर खरीय से आपका दिन गुजरे। और सुनाएं कैसी रात गुजरी। यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का, जो हमें एक अच्छी रात देते हैं सुकून के लिए। और फिर दिन चढ़ता है, रोशनियाँ अपने दिमाग में अपने रूह में भर लो कि अल्लाह का यही हुक्म। और फिजा जान, आप सलाम दुआ कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जान भी जरा तबीयत खराब है, जुकाम है, गला खराब है। वो देख ही बेचारा। नहीं कोई बात नहीं, नहीं देख रहा तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबको पता चल गया है कि मुझे सब जो है ना वो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे ही हैं। क्यों मुझे जान, हम तो ऐसे उधर कर ले, हम तो ऐसे ही हैं। मैंने कह रही है तो मोहे जान तो कोई बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा वो तो ऐसे ही हैं, सबको पता लग गया हुआ है। कभी कभी करते हैं बहुत खुल के, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मूड हो तो उधर क्यों नहीं उस टाइम करती जब वो बात कर रहा होता है, तो मुझे ही देख रही होती है। ये पिज्जा भी बड़ी चला रही है, वो बात कर रहा है उसकी तरफ नहीं देख रही कैमरा, मुझे कैमरा किया हुआ है। पता ही नहीं इस लड़की को, इस लड़की को कुछ पता नहीं। ये लड़की जो है ना अपनी पुप्पो जान को फौरन छाड़ती है। चले ठीक है, मेरा सर सुबह सुबह दर्द कर रहा। मैंने फिजा को कहा कि मुझे चाय बना दो जरा, अल्लाह इसे जिंदगी दे। इसने फटाफट एक लम्हा नहीं लगाया, मुझे चाय दे दी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फिजा जानू। हेलो व्यूअर्स, मोहित ऑफिस जा रहे हैं। जबरदस्ती इसने हेलो व्यूअर्स करवाया मेरे से। मोहित ऑफिस जा रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 8:21 हो गए, मैं लेट हो गया। बाय। अलैकुम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। लो मेरे सोनियो सुनेड़ियो, तुसा दसो वॉक वूक करेंदे हो कि नहीं करेंदे, दसो मैनू, क्योंकि मैं तो इन्नी सर्दी च वॉक कर रही हूँ। बहुत ठंड हो गई यहाँ पे, बहुत ठंड थी और धूप भी थी, लेकिन इसके बावजूद ठंड बहुत। हवा ठीक है नहीं आज? उफ, हवा ही दे रही थी। हवा अगर ना हो तो ठंड कट जाए। हाँ जी, ठंडी या हवा है ऐसे मुंह को आके लगती है। तो सब दसो के तुम करते हो के नहीं करते, वाखा वूखा कोई एक्सरसाइज कोई कुछ दस दियो मन है। उफ, अब फुप्पा जान वॉक करके ना, फुप्पा जान अब टीवी पे लगाएंगी वो एक्सरसाइज, थोड़ी एक्सरसाइज और फिर उसको देख के एक्सरसाइज करेंगे 10-15 मिनट ना। यस, एक्सरसाइज करके फिर बैठ जाऊंगे, फिर हाली दे जगह ना मुंह सुनो यार, बिल्कुल तौबा तौबा। उफ 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 खोता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप वापस? हाँ जी, जहाजन आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बाबी, आयशा का कोई फोन नहीं आया, पहले आया था। वैसे बात कर रही थी वो फिजा से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप? करेले के, बेटी आई है, बीवी है और काम खुद कर। हमने इनसे पूछ कहा है मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा मैं रोटी छोटी आपके लिए बना लेती हूँ, तुसी जरा वे सबर करो, सबर कर लो। लेकिन इनको इतनी जल्दी होती है, जब इन्हें क्रेविंग हो जाए ना कि खाना खाना है खाना खाना है, तो उस वक्त ये फिर फौरन हमें भी छोड़ते हैं परे और मुकाबले पे आ जाते हैं। यही है ना शेर जान, बताए यही है, यही है। चले लाइन जरा अंदर से, क्या कहते हैं सैलड, सैलड लाइन, हम सैलड बनाए आपका फटाफट। ये शाह बाबा का सैलेड है, ये लेटस है एंड दिस इज गाजर। दोनों ही निकाल दी मैंने। ये दाल जो है मैं भी मेरा खा जानू जो है ना वो उन्होंने फिजा ने बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि शाहजहां जिहड़े ने
वो किसी कुछ खुद सब कुछ कर रहे हैं। देखो गुस्से आ गए जे बड़े, फिजा इन्ना गुस्सा नहीं करना, इन्ना गुस्सा नहीं करीदा, ठीक है। गुस्से मुझे बहुत गुस्सा आ गया फिजा को कि जहाँ बाबा खुद क्यों बना रहे हैं, हमें क्यों नहीं बता रहे। ठंडा खाने लग जाता है, एक तो ठंडा खा, मैं कभी भी जो है ना गाजर निकाल नहीं करता, गरम करके खाना। आप खुद ही बता दें बाबा, फ्रिज से निकाला और उसी तरह स्लाइस कभी पड़ी है, कभी पुरानी रोटी पड़ी हुई है कल की परसों की, उसी तरह ही ठंडा। ठंडे ठार बंदे ने बाबा इन्हों तो बचो, ए ठंडे ठार बंदे जे बहुत वड्डे, ठंडा ठार जलेबा ठंडा ठार, ये पता है ना। ठीक है, मुझे इशू नहीं होता वैसे, आपस की बात है। आपको पता है ये चीज का कि हमें होता है, हम कहते हैं कि असद जान गरम करें, बोटियां गरम करें, अब इसमें इतना गोश्त है, अगर आप ये ठंडा खाएं तो फिर बताएं अंदर जाके जम जाएगा कि नहीं। क्यों जम जाएगा तो, आपको पता है मेडिकली अंदर गरम है, लोहा भी खाएंगे ना अंदर वो भी पिघल जाता है, अंदर बड़ी अंदर वो कहते ने बड़ी हीट हैगी है, अंदर का निजाम जेड़ा ना बड़ा हीटिड है, ते छा बाबा वो हीटिंग दे निजाम ने जेड़ा है ना है की क्या है क्वेश्चन मीनिंग है। अंदर जाए तो मजा भी तो आए ना। वो मैं मानता हूँ, हम तो चटखारे साथ ही लेने लग जाते हैं, चटखारा करते हैं हम, करते हैं। हमने तो आपको याद है उससे बताया था क्या शीरी, वो ये हमारा चटखारा भी आप है, हमारी शीरीनी भी आप है, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है खा जाते हैं सारा गार्बेज और फिर इनको टच कर देते हैं वो चटखारा हो जाता है। ओहो ये देख ले कितने कितने चटखारे लगा रहे हैं मेरे साथ, ये मेरे साथ चटखारे लगा रहे हैं। अब हम इसका जवाब ये देंगे कि तुम जानो तुम्हारी बातें जाने, हम तो मस्त कलंदर हैं बाबू। ये शेर किसी का भी नहीं, शेर खुद इजाद करते हैं, ये किसी का शेर नहीं हम शेर कम और बिल्ली ज्यादा लग रही है। अच्छा जी, और दूसरा ये है फिजा और क्या करने लग गई हैं आप उधर, अच्छा ये टाइम क्या हो रहा है, ओ इतनी जल्दी असद आप लंच ले रहे हैं, ओ हो व्यूवर्स देखें इस वक्त 10:15 हुए, 10:15 भी नहीं हुए, ये हमारी 10 मिनट घड़ियां आ गए हैं और इस वक्त 10 बजे हैं, ये फिर खाना जा रहे होंगे मैं समझ गई हूँ। उसकी रीजन है ना, हाँ हाँ, सुबह 5 बजे उठ के नाश्ता किया जिम करके, यस इनको भूख लग गई है, हाँ तो कितना 5 घंटे हो गए, यस यस आपके पास नाश्ता इतना नहीं है, ये करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, अब ये खाए 4-5 बजे फिर हल्का सा और फिर खत्म सो गए, नीला आसमान सो गया, ठीक है ना। अच्छा शेरजान जी ये बताएं कि आपने दोबारा खाना कब खाना है, 5 बजे फिर मोयस के साथ ही, फिर मोयस के साथ ही इधर घर आ गए खाएंगे, कोई रोटी रोटी पका दें, रोटी रोटी आपके लिए अगर आप कहते हैं तो हम कोई रोटी रोटी पका देंगे आपके लिए। ये शाहजान जी हम मैं शाह शाह करती हुई ना ये कैमरा नहीं घुमाती, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, मैं कहती हूँ वो आंखों पे वो दिमाग पे असर करता है। बस मैंने देखे हैं व्लॉगर के बड़ा ही छान छान करते हैं इसको कैमरे को, है ना मूवमेंट, उफ बहुत मूवमेंट करते हैं कैमरे की कि वो जो है ना पैनिक हो जाता है, वो दिमाग वो मेरे इंज लग रहा है और तन भी कोई लग रहा है, फिजा भी फील कर रही थी तो इस लिए जरा सुकून दे ना, मैं कहनी हाँ करना चाहिए जो भी तुम करो सुकून लवो, बैठ गई है क्यों फिजा को गलबात करनी है तो करना ही करनी है, दस ही हो सू तुम भी कोई शोशे छड़ दिया करो कि मुस्कुराते ही रहते हो कि असं फिर गाना गाने तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसी कौन सी बात है फिजा भी जरा असी फिजा कहने कि थोड़ा ना मतलब होवे यंग बची है ना तो शोशे छड़ने चाहिए ने अपने विलॉग भी और उंज भी आम हालात भी, लेकिन जरा अभी ये शोशे नहीं छोड़ रही हमारे व्यूवर, क्या फरमाते हैं आप इस बात में, सुन्नत है खाना खाते बोलना नहीं चाहिए। लो जी ऐसे तो गल हुई जो हम अभी सुन्नत के कुछ नहीं बोल सकते जनाब,
समझ गए हो, साहब भी खाना खा रहे हैं और फिजा जान उत्थे जा रहे ने, ते फिर गल्लां बातां करदे रहांगे, बेफिक्र रहो जी। फिजा जानू हां जी, असीं चलिए हुण उत्थे ते उत्थे जाके नहाइए धोइए ते नहा धो के ते कपड़े कुपड़े पा के ते फिर आने आ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਯੈਸ ਓਕੇ ਜੀ, ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਿਕਨ ਜੋ ਹੈ ਬੋਇਲ ਹੋਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੋਇਲ। ਔਰ ਯੇ ਸਭ ਬਾਬਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਲੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਤ ਬਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ। हेलो, ना तो फिर तो अब फिजा का काम है, फिजा जाए जल्दी जल्दी नहा के नीचे आए और फिर हम एंजॉय करें, चिकन हो जाए ना फिर करती हूँ। चिकन हो रहा है ना? यस, बॉयल हो रहा है। आज फिजा जो है ना वो जानू 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 हमारी पता क्या कर रही है, आपको पता ही है, ए चिकन का वो बना रही है, जो चिकन सैंडविच होता है ना उसका वो बना, स्प्रेड बना रही है। क्या स्प्रेड? स्प्रेड, चिकन सैंडविच का स्प्रेड बना रही है। yes. और क्योंकि वो जान बड़ा पसंद है, पसंद पसंद है, जे तन पसंद है, और वो हमारा व्लॉग चल रहा है। इस लिए अच्छी अपने व्लॉग पे भी जड़ा हम भी पाने आते हैं। क्यों शेर जान जी, की कहोगे तुसी इस बारे च? मैं तो जे ड्राइवर हूं। ड्राइवर? तुसी ड्राइवर? हां तो ड्राइवर, ए कार दे ड्राइवर हो तुसी, ए कार दी जेडी मशीन पे चलदी है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰੋਇਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਲਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਵੋ 2000 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर अब मैंने कहा थोड़ा सा ये जो है ना जरा अपना सेब सूप भी खा लें, मजा आता है, जरा क्या कहते हैं आप, ठीक है खाना चाहिए, ताकत आती है, जरा थोड़ी सी ताकत करिए ना, ये करने लगे। अब मैंने ना मैं दिल करा चिकन टिक्का सैंडविचेस खाने के लिए ना, तो ये चिकन मैंने काट लिया, ये देखिए इस तरह ना लंबा लंबा, ठीक है, इसके अंदर अब हम थोड़ी सी ना बिल्कुल एक देखें थोड़ा सा चिकन है ना, तो थोड़ा सा लाइक एक टेबल स्पून हम डालेंगे दही मैरिनेशन के लिए बस, और ये ना ये चाट मसाला है, ये देखें ये शान का चाट मसाला है, टिक्का मसाला, तो ये हल्का सा हम ये डालेंगे बीच में, हल्का सा नहीं लाइक क्योंकि और कोई चीज़ नहीं डालना इसमें, सिर्फ दही और ये, चल ठीक है, और ये साथ में थोड़ा सा जो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं होता वो डाला, ठीक है, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, ये देखें ये अब हो गया है मैरिनेट, ठीक है, इसको अब हम, बहुत चूल्हा फ्री होता है ना जब ये वाला, इसमें अभी देखें चिकन जो है मेरा अभी तक बॉयल हो रहा है क्योंकि बड़े पीस थे ना, तो मुझे थोड़ा कच्चा ना रह जाए थोड़ा सा भी, तो इसलिए अभी तक ये देखें आई गेस हो गया है, थोड़ा सा रहता है बस, फिर ये होता है ना फिर इसकी जगह मैं वो रख दूँगी बस। हाँ जी, अच्छा साहब कितने चल रहे हो, किधर जा रहे हैं आप? मायोनी लेने, मैं इसलिए साथ आई हूँ अच्छा साहब के, कि एकदम ना वो फिजा बना रही है, चूँकि क्या सैंडविच का सारा स्प्रेड बना रही है, तो उसमें मायोनी चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा साहब जरा फटाफट हमें मदद हमारी करते हैं, फिर आप जाएं अपने काम काज पे ना, तो बस फटाफट जा रहे हैं असद साहब, तो अभी भी जा रहे हैं शुरू जान, कोई बात करनी है व्यूअर्स के साथ? मैं तो माली हूँ। शाह बाबा ने तो मैं तो माली हूँ, मैं तो माली हूँ, मैं तो माली हूँ, तो उन्होंने वीरद शुरू कर दिया, वो कहना मैं ड्राइवर हूँ, मुझे ले जाओ जिधर भी ले जाना है, नहीं ले जाना मुझे ले जाओ भाई, मैं तो आप लोगों के भाई आप पे हूँ, चलना है तो चले, नहीं चलना तो ना चले, यही कहते हैं ना आप शाह बाबा, जरा बोले ना फिर दोबारा। नहीं वो बंदा जो है ना जब शादी शुदी हो जाती है ना, हाँ हाँ, वो वाकई ड्राइवर है, मैं तो धोबी जमादार
मतलब वो तो टाइटल्स है ना, बड़े कहने का मकसद है, वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बहू के लिए, इन सब के लिए वो बेचारा करता रहता है। बेचारा नहीं, भी बेचारा नहीं, ये गलत लफ्ज आप बोल रहे हैं। बेचारा हम आपको कहते हैं कि आप इस गाड़ी के जो ये घर है हमारा, इस गाड़ी के आप एक इंजन एंड ड्राइवर है, आपको बहुत बड़ा जो है मकाम दिया हुआ है हमने, क्योंकि ये सबसे बड़ा मकाम है। क्यों व्यूअर्स, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर या इंजन, ये तो बहुत बड़ा मकाम है कि आप अगर हैं तो गाड़ी चलनी है, आप नहीं है तो गाड़ी नहीं चलनी, ठीक है ना। तो इसलिए आप ज्यादा ना खा करें, मैं थे ड्राइवर ना ना बाबा, ये हमें कबूल नहीं है, ड्राइवर ड्रोवर समझ गए आप, इंजन ड्राइवर चला जाता है, जब सफाई करनी हो तो वो सफाई करता है, जब ग्रोसरी लानी हो वो ग्रोसरी करता है, कमाल हो गया। क्योंकि इसके बगैर, इस इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, और अल्लाह पाक इस इंजन को जिंदगी दे, लंबिया उमरा शुमरा दे ना, और साढ़े सिर ते ताज बन के सलामत रहन। हम तो यही कहेंगे जनाब, और अभी तुम की कह सकने हैं, सही है ना, तो सो भाई मैं ते ये देखो कह लगे जे मैं ते ड्राइवर हां खामोश हो गया, वही कदम खामोश हो गए, मैं ते ड्राइवर हां नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहना आपने भाई, मैं ते ड्राइवर हां, आप जो कहें मैं ते मालिक हां, मेरे कहन तो बगैर कुछ होना नहीं, ऐ कहना तुसी, ठीक है। चलते हैं सनी, सनी फूट मार से पटवल ले लेते हैं। ये आ गया हम सनी पे, अब जल्दी जल्दी हम लेंगे और जल्दी जल्दी बाहर निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा फ्लेवर वाली नहीं लेनी, पिज्जा कह रही थी कोई भी ले आए, ये सब ज्यादा है, मैं कहती हूँ ये ले, द मॉर्निंग 2% फेयर, ये है 899 की है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, गार्लिक है, आ जाए, ये कोई टेस्ट तो नहीं है ना इसमें, टेस्ट नहीं जी, हमने फिर ले ली, अब हम पैसे पे करेंगे और फिर भागते हुए भाई निकल जाएंगे, क्योंकि आपको अपने ऑफिस के लिए जाना है, ठीक है। वो ये हम जल्दी जल्दी लेंगे, ये कैश है, कैश को दिखा रही हूँ आपको, बस दूर दूर से, क्योंकि करीब नहीं इनके जाना, ये फटाफट हम निकला है बाहर, क्योंकि सर साहब को जाना है अपना, आपको पता है उन्हें पकड़ना है बच्चों को जिनको ड्राइविंग सिखानी है, ये हम बैठे गाड़ी में और चल पड़े हम घर को, डन 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 डन। जानो मैं जो है वो नाश्ता करने, खाना खाने लगे हैं लंच टाइम, तो ये मेरा सालन, ये पप्पू जान का सालन, अरबी गोश्त साथ नींबू डालेंगे, ये पप्पू जान येलो जी, बस देख ले आप, ये रोटी छोटी जरा बनने लगी है, यस अभी रोटियां गर्मा गर्म बनेंगी, गर्मा गर्म तो मजा आ जाएगा, और हम नींबू डालेंगे ऊपर, या ऊपर नींबू डालेगा मामा फिर मजा आएगा बहुत ज्यादा, यस। आप भी अरबी गोश्त खाते ही होंगे फिजा, हाँ जी, भी पसंद होगा, हाँ जी हाँ जी, फिजा को भी पसंद है जी, घर में बनता है ना, बनता है, तो बड़ा फेवरेट डिश है, हाँ। फेवरेट डिश है घर की, वही वही ये आई गेस पूरे खानदान की फेवरेट डिश है, यस। ये पप्पा जान भी आ गई, मजेदार खाना, जबरदस्त, यस, अरबी गोश्त हमारा फेवरेट, यस, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, और साथ हमने ड्रामा लगाएंगे, रिमोट पकड़ाऊंगा आपको, ये काबले चने सी, आज पकान लगे हैं, प्योए ने सी, मेरा ख्याल है आधा किलो सन, हाँ जी तकरीबन तकरीबन आधा किलो सन, उन से अच्छी तरह धो के गर्म पानी पा के अद्धी चमची जे रहना मैं रे च सोडा पाता ला दिता, और ऐ उन भिजे ने इधरों सी जरा ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੇਸਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇਂਗੇ ਆਪ ਜ਼ਰਾ, ਹਮਨੇ ਮਸਾਲਾ ਇਸਮੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਸਣ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿਆ ਔਰ
अदरक भी डाल दिया, प्याज दो डाले हैं, नमक मिर्च थोड़ा सा मैंने कहा, हल्दी धनिया, हल्दी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। अभी ये थोड़ा सा गल जाए, चलो थोड़ा गल जाए मैं कहती हूँ, फिर इसमें डालती हैं वो क्या कहती हैं चने, चने इसमें फिर डालती हैं थोड़ा सा, ये गल जाए थोड़ा। ये हमारा मसाला देखें मिक्स हो गया, किचनों का मसाला मिक्स हो गया है। हम देखो जी अब ये चने जो हैं, चने सीधे रहना, इसी तरह डाल देंगे हम, इसी तरह डाल देंगे क्योंकि इन चनों के अंदर सोडा है और ये सोडे वाला पानी डाल देंगे इसमें ताकि जल्दी गल जाए, ठीक है। ये थोड़ा ही लगाया था, ज्यादा नहीं लगाया था, ये और गया अंदर, ये चले गए, ठीक है। लो जी ये हमने कर लिया तैयार, ये हमारे चने शोरबा है। चने शोरबा हम ज़रा बनाते हैं, कल चावल बनाएंगे। चने शोरबा तो मैंने आज बना लिया है, लेकिन चावल हम कल उबाल के खाएंगे। सालन आज बना लिया मैंने, सालन ये आज के लिए नहीं है, वैसे ये कल के लिए है, मगर आज ही मैंने बना लिया और कल इंशाल्लाह ताला जो है ना वाइट चावल अलहदा बनाएंगे। ओके जी, देख लिता तुसा कितना खूबसूरत चावल और चने शोर पाया। हाँ जी, अच्छा जानू आ गए हो, कम तो कद लियो पे, कैमरे तो इन्ना कंबन लग पे हो, एक्शन एक्शन, यस एक्शन चलेगा भाई, शाह बाबा का हम असर साहब को लेके मोए जानू को लेने हम जाएंगे, मोए जान को लेने। अंधेरे में हम डूबे पड़े हैं, अजीब चेहरे आ रहे हैं, ये पता यही तो है ना कि कनाडा में वो मैं देख रही हूँ कि वो एक पट जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा देखे ना उसको ऊपर से हुआ होगा, हाँ ऊपर से ही हुआ होगा यकीन, एडजस्टमेंट खराब हो गई, हाँ वो क्यों हो गई खराब, थोड़ा सा ठीक हुआ है वैसे, ज्यादा नहीं हुआ, ये भी चढ़ा हुआ है ना दूसरे पे, ये किस कर दिया इस तरह, ओह माय गॉड, पता नहीं किसी किसी ने हाथ लगा के इसे खोलने की कोशिश की है, हाँ वो खराब की है, नहीं हुई है खराब, हुई है किसी से, ये देखें ये भी असद इधर डबल लगा हुआ है, ये आगे हैं, ये आगे हैं जरा मिडल में, एक सेकंड जी, अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है ठीक हो गया, अलाइनमेंट उसकी खराब हुई थी, ये भी देखें ना, हाँ ये छेड़ा है किसी ने हाथों से, देखना चाहे भाई देख ले, शोहर मिस्त्री मिला हुआ है आपको, मिस्त्री वाला शोहर, मिस्त्री ब्रेन टेक्नीशियन, वाह भाई वाह, टेक्नीशियन जी कुर्बान जाएं आप पे, क्या कह सकते हैं, चलें टूर निकलते हैं हम, ठीक है, उली फिर निकल पड़ी है, सावा किधर जा रहे हैं हम, मैं उसको मोइस को लेने, हम भी आपके साथ हैं, कहे हम जा रहे हैं, आपने मेरे से पूछे आप किधर जा रहे हैं, मैंने कहा जी ये आपको पता है ये है होम डिपो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट होम अप्लायंसेस और होम हार्डवेयर और उनकी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, आए आपको दिखाते हैं, ये होम, अभी मोइस के टाइम में थोड़ा टाइम था तो फिर हम इधर आ गए, हम बहुत आवारा हो चुके हम कहीं ना कहीं घूमते नहीं बैठ सकते है ना शाह बाबा, मैंने कहा हम बहुत आवारा हो गए, हम घर नहीं बैठ सकते कि चौड़ कर देंगे सब, चौड़ कर देंगे, आपके मॉम डैड जब देखेंगे ना वो कहेंगे लेट्स मूव टू कनाडा मैन, उधर तो जिंदगी मजेदार बनेगी, ये रही है कितनी तैयारियां हो रही हैं, देख रहे हैं इधर होम डिपो दिखाने लाए हैं कि फिजा, ये होम डिपो भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा है तौबा, हम
ये कौन सा कार्टून है मैंने देखा? ओह माय गॉड, क्या नाम है कैफे? 6,100 लेकिन अच्छा है, स्पेशियस है। ये इसका डबल स्टोरेज है नीचे, लेकिन वो सब का ही होगा। तुम जिधर ये फ्रीजर है ना, ये तो खुला है ना बेटा। ये आगे भी एक फ्रिज है, ये भी फ्रिज है। ये एलजी का है? हाँ ये एलजी का है। और ये 3,000 का है। दिखाएं नीचे क्या है, दिखाएं जरा। देखो जबरदस्त, बल्कि इसका ये, फिर ये ट्रे और फिर इसके बाद ये। ओह माय गॉड, ये तो ज्यादा है। ये ज्यादा और ऊपर भी डोर्स हैं, ये देखो ऊपर भी है सर। Very nice. माने आ गए, वो देखें जरा, जिम से आए हैं, जिम से आ गए मुइज़ रहमान। ओह माय गॉड, रहमान जिम से आ गए, जिम से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो गया है ना? ओए होए, अंधेरा छा गया। मुबारक हो, मुबारक। सिटीजन बन गया। ओ मुबारक हो, दोबारा से सिटीजन, दोबारा से सिटीजन। ये किसका आया हुआ था भाई? पासपोर्ट आया, पासपोर्ट। ओ मानो जानू, मुबारक मुबारक। चलो जी पार्टी, सूप पिलो। पार्टी पार्टी, सूप चलेगी, पार्टी पार्टी, अब तो चलेगी पार्टी। मैंने देखी नहीं, लाइट तो जलाएंगे, अब तो चलेगी पार्टी 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 भाई पार्टी। बंद करें दरिया, वो दरवाजा खोल के ड्राइव कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा शॉट, शॉट लंबा हो गया। नहीं मैं इस तरह भी ठीक हूँ। हाँ जी कैसे हैं? ठीक है। अब सवाल जवाब का टाइम आ गया भाई, अब सवाल जवाब का टाइम आ गया। देखना ये है कि आपने क्या सवाल की है। दरबार में पेशी, क्या वो जवाब देने का दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते? तो कौन सा सवाल है पहला? सबसे पहले रबिया है, उन्होंने सवाल किया है कि फिजा का पीआर कार्ड जर्नी क्या थी, कैसे लगा पीआर, ये बताते हैं। फिजा का पीआर का कह रहे हैं कि कैसे लगा। ये एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये एक कहने के शादी के बाद निकाह और ये सारी चीज़ें, इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके एविडेंस के साथ वो सबमिट करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री को यहाँ पे कनाडा में। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे निकाह नामा है, उसको वेरीफाई करके ट्रांसलेट करके एम्बेसी से टेस्ट करवा के सबमिट करना पड़ता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और फिर वो वेरीफिकेशन लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स लेते हैं। एक प्रोसेस होता है, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। नहीं, इसका पीरियड तो 2 साल है, लेकिन ये आपकी लक है कि कितनी जल्दी आपकी फाइल जो है वो सबमिशन, पेपर सबमिशंस जो है प्रॉपर हो तो फिर आपको, फिर आपकी फाइल कैसे चलती है। हमारे प्रॉपर थे लेकिन पता नहीं, कोई थोड़ा देर तो हो गई थी। हाँ थोड़ी देर हो, थोड़ी लेट हो गया, लेकिन फिजा को फिर कोई साल बाद, मेरा ख्याल है साल डेढ़ साल बाद इसको मिला है। वो भी रिपीट हुई उसकी दोबारा चीजें, मेडिकल भी वापस हुआ सारा कुछ। हाँ पहले जो जमा कराई थी उसके बाद फिर सारी ही चीजें दोबारा रिपीट हुई। ये दूसरा कौन सा क्वेश्चन है बताएं जरा। अच्छा दूसरा है जिन्होंने मेहनाज हसन, हाँ जी मेहनाज हसन, जिन्होंने पूछा था कि ड्राइविंग का कि मैं चला सकती हूँ कि नहीं, वो कह रही है कि मेरा 10 साल का विजिट वीजा लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं उस वहाँ यहाँ आकर उस वीजे पे ड्राइव कर सकती हूँ यहाँ पे, लाइक
मैं यहाँ की सिटीजन या कुछ नहीं हूँ। 10 साल का विजिट वीजा? हाँ जी। नहीं, विजिट हो, इमिग्रेंट हो, कोई भी स्टेटस हो, आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, बट नॉट विदाउट कैनेडियन या प्रोविंशियल लाइसेंस के बगैर नहीं। नहीं, मेरा ख्याल license... है कि जैसे वो अच्छा हरीस वगैरह आए थे दुबई से और विजिट भी आए थे कि पीआर पे थे, वो तो पीआर पे थे वो। नहीं, वो बता रहा हूँ, पीआर पे आए थे लेकिन इंटरनेशनल, क्योंकि उन्होंने वापस चले जाना था पीआर लेके, पीआर कार्ड लेके, तो वो इंटरनेशनल लाइसेंस पे आए थे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल था। अब हम आप भी अगर विजिट भी आते हैं, क्योंकि ये विजिट वीजा आपका 10 साल का लगा हुआ है, मगर 10 साल के लिए तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये एक अलग ड्राइविंग का पूछ रहे हैं, चला सकते हैं, वो ही देंगे बस, उसका जवाब ही है। इंटरनेशनल लाइसेंस है तो चला सकते हैं, वो चला सकते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, अब है सवाल, आपका बेटा क्या जॉब करता है? हमारा बेटा जो है असद साहब मुइज़ रहमान जो है वो जॉब करता है, आर्किटेक्ट है और किसी जगह जॉब करता है। और दूसरा सवाल उन्होंने सेम बंदे ने पूछा है कि आपका बेटा ड्राइविंग क्यों नहीं करता और बहू और बेटा अकेले क्यों नहीं जाते? देखिए, इत्तेफाक है ये असद साहब जो भी आप बता रहे थे कि क्योंकि हम व्लॉगर जो हैं तीनों ज्यादा हम व्लॉग में आते हैं, तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम तीनों ज्यादा होते हैं, और कभी कभी मोए जब छुट्टी, क्योंकि उस पूरा वीक तो वो जॉब करता है और सुबह 8 बजे से उसका 6 बजे तक, 7 बजे तक घर आता है, उसकी जॉब होती है, उस वक्त तो हम बनाते भी नहीं है कभी गाड़ी में बैठ के। लेकिन जब हम बना रहे होते हैं, इत्तेफाक है कि मोहेज कभी होता नहीं है, और अगर कभी होता है तो वो इंजॉय कर रहा होता है अपनी मिसेज के साथ, वो भी बैठ जाता है, अदरवाइज वो जो है मतलब गाड़ी भी एक है, ये भी एक वजह है। और अब हम सेकंड गाड़ी जब लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मियां बीवी भी अकेले जाएंगे, आएंगे सब कुछ। सवाल तो खत्म हो गए हैं, लेकिन वकार खान आपको याद होंगे जो हमसे नाराज हो गए थे, अब वो कह रहे हैं, उनका कमेंट आया है हम जब हमने सवालों के जवाब दिए उस पर, कि बस इतनी सी बात थी, हो गई सुलह हमारी, अपने व्लॉग में मेरे कमेंट्स को रिकग्नाइज किया और मैंने दोबारा सब्सक्राइब कर लिया फिर से, थैंक यू वेरी मच। फिर वही बात कहूँगा, मैं असद साहब का फ़ैन और सब मुझे अच्छे लगते हैं, और मोइज़ और फिज़ा माशाल्लाह डिसेंट बच्चे हैं, आप व्लॉग नेचुरल होता है जो मुझे पसंद है, और असद साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरा वो क्वेश्चन नहीं था जो आपने रिप्लाई किया, चलें मैं फिर कभी क्वेश्चन कर लूँगा, जैसे आपको इजी लगे वैसे रिप्लाई कर दिया करें कमेंट्स में या वीडियो में, माशाल्लाह खुश रहें, थैंक यू। कमेंट आपने बताया नहीं है वकार, हाँ सब वापस जवाब सवाल कर लें, हाँ दोबारा फिर किसी दिन पूछ लीजिएगा। यस, और दूसरा बड़ा खुशी की बात है कि भाई आप राजी हो गए, हम तो अपने जो व्यूवर्स हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी फैमिली के मेंबर हैं, वो अगर नाराज होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुश हो गए और वापस आप आ गए, सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और एक क्वेश्चन और आप कह रही थी कि जया कह रहा है कि फैसल जो है वो शादी पे क्यों नहीं आया, तो बात यह है कि फैसल को मैंने रिटर्न में जवाब दिया था, या को। मैंने कहा था कि ये जो आपके सवाल जवाब इसका मुंसलिक है, वो जो हमने रखा हुआ है कि 2000 सब्सक्राइबर होंगे तो तब हम ऐसे सवालों का जवाब भी देंगे और अपनी लाइफ का इजहार भी करेंगे, तब बताएंगे फैसल तो कौन है, सारी चीजें जो है ना वाजी हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा यस आप लोग पूछ रहे हैं, ये मुसलसल तो जरा तेज करें ना सब्सक्राइब को, ताकि जल्दी जल्दी 2000 हो। अरे बाबा, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी है, करोड़ों की तादाद में कनेडियन है और USA में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में, तो क्या 1000 सब्सक्राइब नहीं हो सकते? 700 क्यों पता है? 1000 सब्सक्राइब नहीं हो सकते, जरा बोले हमें ये बताएं जरा आप। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बाकी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इतने अच्छे हमें खुश करते हैं, हम इतना खुश होते हैं, वो जब हमारी तारीफें कर रहे होते हैं, हमारे व्लॉग को लाइक कर रहे होते हैं और अपने अल्फाज से अपने साथ साथ का इजहार कर रहे होते हैं,
तो हम उस पर भी बहुत शुक्र गुजार है उनके उन सब के। तो फर्दन फर्दन नाम नहीं हम ले रहे क्योंकि एक लंबी फरिश्त है, तो आप कमेंट्स करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे, सवाल भी करते रहें। जवाब का सेशन हमेशा जारी रहेगा क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो ठीक है जी, मेरा ख्याल है सवाल जो आपका बड़ा अच्छा सेशन हो गया। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। तो आपसे इजाजत चाहते हैं, कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली हैं और हमने मिलजुल के एक साथ रोटी बनानी है, रोटी भी बनानी है एक साथ। तो इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। तो मैं इजाजत चाहती हूँ, करती हूँ आपको, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी।